तो दोस्तों एक्सरसाइज 11 ए का क्वेश्चन नंबर वन हम कर रहे हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी और डी की वर्तमान आयु का योग 56 वर्ष, उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है डी की आयु। अब यहां हम लोग शॉर्टकट पे ही जाएंगे, देखो जब उनकी आयु का गैप समान हो रहा है तो वो आर इन एपी का कॉन्सेप्ट होता है, समझना बेहतरीन ढंग से, इसका कॉन्सेप्ट होता है एपी का, पहले सम कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बताएंगे आपको समझ में आएगा बेहतरीन। देखो जैसे एक दो तीन चार ये नंबर है, कुछ भी नंबर हो वाट एवर, पहले गैप बनाए कुछ भी नंबर हो, और अगर ये आर इन एपी में है समांतर श्रेणी में है यानी इनका गैप समान है तो ये सीरीज का एवरेज होगा वो इस पोजीशन पे होगा, ये पोजीशन पे इसका एवरेज होगा, ठीक है वो सीरीज में नहीं होगा ये पोजीशन में होगा, दो इसके आगे दो इसके पीछे, ठीक है स्वयं एवरेज उस सीरीज का पार्ट नहीं होगा। फिर समझो जैसे पांच नंबर है एक दो तीन चार पांच, अब ये आर इन एपी में समांतर श्रेणी में यानी इनका गैप समान है तो इस बार जो इसका एवरेज होगा वो सीरीज का पार्ट होगा, यानी ये वाला तीसरा पोजीशन वाला, क्योंकि दो उधर तो है पर एवरेज भी हमारी सीरीज में इंक्लूड होगा, अब जैसे पहला क्वेश्चन था कि चार लोग हैं उनकी आयु का योग 56 वर्ष है, यानी मोदी जी 56 वर्ष है, समझ गए ना, तो 56 वर्ष है तो चारों का योग है, चार से भाग दे दो उसका एवरेज कितना आ जाएगा वो आपको मालूम हो जाएगा, 14 आएगा, कितना आएगा 14 आ जाएगा, लेकिन ये सीरीज का पार्ट नहीं होगा, दो इसके आगे होंगे दो इसके पीछे, बात समझ में आए, तो सभी में चार चार का गैप है, अब चार चार का गैप है तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यहां पर दो इधर जोड़ो और दो इधर, सर ऐसा क्यों, चार चार का गैप बन गया ना, इस पोजीशन से इस पोजीशन में आने में चार का गैप हो गया, 14 2 16 होता है और 14 में दो कम कर दो 12 16 चार का गैप, 16 4 20 होता है और 12 में चार कम करोगे तो 8 होता है, अरे मेरे देवताओ बोलो हाँ, पहले ये बात समझो, हम क्वेश्चन तो नहीं करा रहे, हम आपको एक लॉजिक माइंड में सेट करा क्वेश्चन कराएंगे, पहले समझो वो भाषा क्या थी वो अब देखेंगे, तो उम्मीद है ये बात क्लियर हुई होगी। अब हम क्वेश्चन के हिसाब चले, वही भाषा है, ए बी सी डी की वर्तमान आयु का योग 56 वर्ष है और उनकी आयु का अंतर समान है जो कि 4 वर्ष है, यानी चार लोग की बात हो रही है, एक दो तीन चार, और टोटल 56 यानी मोदी जी हैं, 56 में 4 का भाग दे दो तो 14 आएगा, तो 14 इसका एवरेज हो जाएगा, एवरेज 14 हो जाएगा, लेकिन ये सीरीज का पार्ट नहीं होगा, सभी में 4 4 का गैप है तो गैप 4 का है तो दो इसमें जोड़ दो ना पहले तो ये वाला आएगा और दो इसमें घटा दोगे तो ये वाला आएगा, तो 12 और 16 का अंतर 4 होता है। अब हमसे कह रहा है डी वाला, तो ये ए पोजीशन, ये बी, ये सी, ये डी, 16 में 4 जोड़ोगे तो ये 20 होगा, तो डी 20 वर्ष का है, 20 ईयर का, तो जो ये कॉन्सेप्ट है मेरे दोस्त, आने वाले समय में आप एवरेज चैप्टर में ज्यादा बेहतर सीखोगे, बोलो बोलो टेल टेल, आने वाले समय में एवरेज चैप्टर में आप इसको सीखोगे। एक बार रिपीट कर देते हैं, देखो कॉन्सेप्ट तो बता ही दिया हमने, ए बी सी डी की वर्तमान आयु का योग 56 है तो 56 में आप 4 से भाग दे दो 14 आ जाएगा, पहली बात ये, अब 4 4 का गैप है तो ये एवरेज वाली लाइन हुई, 4 का आधा दो, दो जोड़ोगे तो 16 आएगा, दो कम करोगे तो 12 आएगा, तो 12 16 4 का गैप हो गया, अब इसके आगे 4 जोड़ोगे तो 20 जो कि डी की वैल्यू होगी। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, सभी बोलो हाँ सर पहला तो क्लियर हो गया, ठीक है पहला तो क्लियर हो गया, हो सकता है बफरिंग हुई हो YouTube में, बाकी रिकॉर्डेड में कोई बफरिंग नहीं,
क्वेश्चन नंबर टू। अब देख रहे भाषा में कितना बड़ा खेला हो गया, बड़ा क्वेश्चन हो गया कि नहीं हो गया। अब पेशेंस से सीखना। हाँ, अब एक्चुअल में थोड़ा सा जो लेटेस्ट वर्जन में आ रहा है उसमें एवरेज घुसेड़ देते हैं एजेस के क्वेश्चन में, ठीक है। और ये पार्ट एक तरीके से एवरेज, रेशियो, एजेस सब आपस में पार्ट होते हैं। 35 छात्रों की एक क्लास में छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष। बहुत फेमस पैटर्न का ये क्वेश्चन है कि मान लो 35 लोग हैं किसी परिवार में और उनका औसत है 15। अगर टोटल की बात करें तो 35 × 15 होता है, ताकि ये चीज समझ में आएगी। यदि उसमें अध्यापक की भी आयु जोड़ दी जाए, यानी प्रकाश सर को भी ले आओ, तो अब 35 की जगह अब आपके घर में हो गए 36 लोग। कितने हो गए? 36 लोग। तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाएगी, यानी अब एवरेज 16 हो गया। सपोज दैट आपको प्रकाश सर की ही आयु निकालनी है, सपोज दैट आपको प्रकाश सर की आयु निकालनी है जो बंदा इंक्लूड हुआ, तो 16 × 36 − 35 × 15 तो मेरी आयु आ जाएगी। और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, मतलब एक कैलकुलेटिव हो जाता है, उसी पे सीखेंगे। पहले ये चीज जानो, अगर आपको जनरल वे से हमारी आयु निकालनी है तो उसके लिए आप चुपचाप पुण्य में जाना, 36 × 16 − 35 × 15 करोगे तो मेरी आयु हो जाएगी। ये जनरल मैथ, वो तो हाईटेक सीखना है, ऐसे सीखो। 35 से 36 हुए तो 1 की बढ़ोतरी हुई, और 15 से 16 हुए तो 1 इंक्रीमेंट हुआ। बोलो हाँ मेरे दोस्त, इस 1 का गुणा इसमें करते हैं, कम से कम 100 क्वेश्चन इसी पैटर्न से होंगे आने वाले समय, ठीक है, अलग अलग किताबों के, जो आप स्वयं सॉल्व करोगे। और 35 का इंटू इसमें, तो 1 16 में तो 16 वर्ष, और 35 और जोड़ दो तो 51 हो गया। यानी मेरी आयु राइट नाउ 51 ईयर का मैं हो गया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, समझ गए। अब यहां 36 × 16 − 35 × 15 कैलकुलेशन है। अब मान लो यहां 235 होता, यहां 236 होता, तो आपके साथ खेला हो जाता। ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड है कैलकुलेशन से बचने का। उम्मीद है इस पैटर्न को आप सीखेंगे हमारे द्वारा, किसी और भी टीचर के द्वारा। अच्छा, आगे की कहानी पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा तो यहां तक हो गया क्वेश्चन। कहते उसी अध्यापक के परिवार की औसत आयु कितनी है? 40 वर्ष। देख लो, अध्यापक के परिवार यानी मेरे परिवार, मेरी आयु तो 51 वर्ष है, अब मेरे परिवार के साथ खेला कर रहे हैं जिसमें मेरी पत्नी और एक पुत्र भी शामिल है। डबल कोडेड क्वेश्चन आजकल बहुत चल रहे हैं, ये बताया अच्छी किताब है। यहां से आप आगे बढ़ते, तो मान लो मैं, मेरी वाइफ और मेरा बेटा, तो ऐसा कर लेते हैं फादर मदर और सन, फादर को हमें काउंट कर लो मेरे भाई, फादर मदर सन समझ लो, उनकी आयु का औसत 40 वर्ष है, तो 40 × 120 और मेरी आयु तो अभी 51 वर्ष आई गई। भाई मैं तो 51 साल का हूं ना, अभी आपके सामने निकाला। तो मदर सन यानी मेरे बेटे की मां और पुत्र की आयु का योग, तो 120 में से घटा लो तो इन दोनों का खेला आ जाएगा, घटाओ 69, यानी दो लोग जो बचे जिसमें पत्नी और पुत्र, पत्नी को वाइफ बोल दो या बेटे की मदर बोल दो, ठीक है, समझ गए ना आप, समझदार, बेटे के हिसाब से मदर, हस्बैंड के हिसाब से समझदार। तो एम और एस जिनमें पत्नी और पुत्र की आयु शामिल है, पुत्र की आयु उसकी मां की आयु से 80% कम है। ये मुद्दा समझ, 80% कम, 80% का मतलब होता है 4/5। अगर मां की आयु 5 यूनिट है तो 4 यूनिट कम कर दो तो 1 यूनिट पुत्र की आयु हो जाए, 1 यूनिट पुत्र की आयु हो जाएगी। और ये 5 और 1 6 होता है भाई। अच्छा, 80% कम, तो मां मान लो 100% है, 100 में 80 कम किया तो 20% आया, तो 100 और 20 का रेशियो 5:1 होता है मेरे दोस्त। 5 और 1 होता है 6 यूनिट, और यही 6 यूनिट 69 की, कहीं ना कहीं 11.5 आ रहा है। हमसे कहता है उस अध्यापक की पत्नी की आयु क्या है, मतलब मेरे बेटे की मां की आयु क्या होगी, मेरे बेटे की मां की आयु। मेरे दोस्त,
पचपन अरे यार ये क्या देख लो, पचपन में ढाई और जोड़ दो 57.5, मेरे बेटे की मां की आयु 57.5 हो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब मेरे भाई एक चीज समझो, हमने शुरुआत में एक बात बोली थी जब एग्जांपल बताए थे कि फादर की आयु उसकी पत्नी से बड़ी होती है, 99% बोला था। वो ये 1% ऐसी ही बातें हैं कि जहां पत्नी की आयु पति की आयु से बड़ी हो जाती है, इसलिए मैं 99% बोला था। क्वेश्चन की भाषा पे डिपेंड करता है कि वो क्या करवाना चाहता है। इन जनरल रेशियो वगैरह देता है तो पापा को बड़ा ही रखता है, पर समझ रहे हो ना, खेला मदर और सन से करा रहा है तो जिसने क्वेश्चन बनाया होगा तो नहीं समझता होगा इस बात, झोंक दिया। बोलो मेरे देवताओं, क्लियर है कि नहीं? उम्मीद है ये क्वेश्चन सबको क्लियर है, सभी एग्जाम के लिए वन ऑफ द बेस्ट। क्वेश्चन नंबर दो के बाद क्वेश्चन नंबर तीन पढ़िए मगर प्यार से। कहता है एसएससी जीडी का है, तो मतलब नहीं है, सीखना है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट इज द पावर। एक पत्नी की औसत आयु उनके विवाह के समय 23 वर्ष थी। देखो पति और पत्नी यानी हस्बैंड एंड वाइफ की जब शादी हुई तो उनकी आयु 23 वर्ष थी यानी पास्ट में। कितने साल पहले शादी हुई हमका कहा बताया। देखो एक पति पत्नी की औसत आयु उनके विवाह के समय 23 वर्ष थी, 5 वर्ष के बाद उनका एक वर्ष का बच्चा था। अब परिवार की औसत आयु कितनी? देखो तो अगर मैं हस्बैंड एंड वाइफ की ही बात करूं, हस्बैंड एंड वाइफ की ही बात करूं तो 5 साल पहले ये 23 के थे, आज इनका जो औसत होगा वो 28 होगा। क्या होगा? 28 होगा। 5 साल पहले इनकी औसत 23 थी, आज 28 हो गई। 28 दूना 56 यानी हस्बैंड एंड वाइफ का तो 28 दूना 56, पर इसी दौरान उनका 1 वर्ष का पुत्र भी है। अब परिवार में हो गए 3 लोग, 3 से भाग दे दो 57/3, 19 वर्ष का बेटा है, 19 ईयर का बेटा है। तो जो पुत्र की आयु होगी मेरे दोस्त वह 19 वर्ष होगी। उम्मीद है समझ में आया होगा, एक बार फिर से बताते हैं। देखो सभी लोग पढ़ाई पर फोकस करो, ज्यादा नहीं अभी 20 क्वेश्चन कराएंगे जिससे आप सीख सको, अभी मतलब 17 बाकी है। एक पति और पत्नी की औसत आयु उनके विवाह के समय 23 थी, जब हस्बैंड वाइफ की शादी हुई 23 साल औसत थी, तो प्रेजेंट में देखा जाए तो 23 में 5 जोड़ोगे 28, यानी ये 28 एज ए एवरेज है, और 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हस्बैंड वाइफ की आयु 56 साल हो गए। कहता है इसी दौरान 1 वर्ष का बेटा है, तो 56 तो उन दोनों की, 1 साल बेटे की यानी 57 साल हो गया। 3 से भाग दोगे क्योंकि अब 3 लोग हो गए परिवार में, औसत निकालना है यानी उस परिवार का जो औसत होगा मेरे दोस्त वह 19 वर्ष का हो। नेक्स्ट बनाएंगे, सभी लोग ट्राई कीजिए, सोचो कैसे होगा। एक बच्चा कह रहा है एएलपी में कौन सी बुक करें, एएलपी का प्रीवियस ईयर प्लस इस किताब, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी चीज होती है, वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन बहुत जरूरी चीज है। एक व्यक्ति 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हुआ, मतलब रिटायरमेंट कब है? A person was retired at the age of 60 year. He served 3/5, मतलब 3/5 बोलते हैं, year of his retirement age. And what is he has to join his job? समझ गया मेरे दोस्त? देखो 3/5, ये 5 में उसके रिटायरमेंट की एज भी इंक्लूड है, और उसने मतलब एज के साथ रिटायरमेंट भी यही इसी के साथ जुड़ा हो, और रिटायरमेंट समझ गए, और उसने 3 साल मतलब 3 यूनिट सर्विस किया, या एज के साथ जो ये लिखा है वो सर्विस, ये समझ गए ना। तो ये एक व्यक्ति 60 वर्ष की आयु में रिटायरमेंट हुआ,
तो ये पांच यूनिट की वैल्यू 60 साल, ये पांच बराबर 60 के हुआ, एक बराबर 12 का हुआ, तीन बराबर 36 का, एक बराबर 12 के तो तीन बराबर 36। भैया कहता है इन व्हाट इज हैज ही ज्वाइंड हिज जॉब, तो 36 साल उसने सर्विस की, 36 साल उसने सर्विस की मेरे दोस्त, तो 60 में 36 कम कर दोगे तो उसने 24 वर्ष की आयु में जॉब करना चालू किया। 824 इज द राइट आंसर ऑफ दिस, बोलो बोलो, टेल टेल, यानी 24 साल की आयु में उसने जॉब किया। उम्मीद है ये क्वेश्चन हर एक व्यक्ति को क्लियर हो गया होगा, समझ में आया, बोलो हां, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चार के बाद क्वेश्चन नंबर पांच को हम लोग लगाएंगे। कहता है ए तथा बी की औसत आयु 30 वर्ष है और बी तथा सी की औसत आयु 26 वर्ष है। ए तथा बी की औसत आयु 30 वर्ष है और बी तथा सी की औसत आयु 26 वर्ष है, ए तथा सी की आयु का अंतर क्या है? मेरे दोस्त ध्यान देना बेहतरीन ढंग से, औसत बोला गया है तो देखा जाए 30 का डबल कर दो 60 साल हो गया, 30 का डबल 60 साल, ए तथा बी की औसत आयु 30 वर्ष है तो ए और बी और 30 का डबल, ठीक है, बी तथा सी की औसत आयु 26 साल है तो बी और सी की औसत तो 26 दुना 52 हो गया, 26 दुना 52 हो गया। ए तथा सी की आयु का अंतर, ए तथा सी की आयु का डिफरेंस चाहिए। मेरे दोस्त सॉल्व कैसे करना है उसको समझो, देखो अंतर ही चाहिए भाई, दो दो को गुणा, अब इसको घटा दोगे तो ए माइनस सी ही आएगा जो कि 8 ईयर का क्या होगा, डिफरेंस होगा, उनकी आयु का जो अंतर आएगा मेरे दोस्त वह 8 साल का आएगा। क्वेश्चन नंबर पांच का आंसर 8 साल। कहता पुष्पा की वर्तमान उम्र रीता की 2 वर्ष पूर्व की उम्र की दुगनी है, देख रहे हो, पुष्पा की वर्तमान उम्र रीता की 2 वर्ष पूर्व की उम्र की दुगनी है। अब यहां देखो और बदलाव क्वेश्चन में किया गया, तो ये प्रेजेंट लाइन खींच दो, पुष्पा की वर्तमान उम्र रीता की 2 वर्ष पूर्व की उम्र की दुगनी है, यानी 2 वर्ष पूर्व रीता को एक्स मान लो और पुष्पा की वर्तमान उम्र इसकी दुगनी यानी 2x हो जाएगी और रीता की एक्स प्लस 2 हो जाएगी, बहुत बेहतरीन भाषा पे है। फिर कहता है यदि उनकी उम्र का अंतर 2 वर्ष, यानी जो ये लिखा है इसका जो अंतर है वो 2 वर्ष है पुष्पा की वर्तमान उम्र, देखो इसी को कहते हैं वैरायटी, समझ गया। देखो दोस्तों प्रकाश अवस्थी ऐप को डाउनलोड कर दो बहुत अच्छे से, और भविष्य में इसका कोर्स जब आपको मिलेगा ऐप में तो उससे सीखोगे तो और बेहतर लगेगा। पुष्पा की वर्तमान उम्र रीता की 2 वर्ष पूर्व उम्र की दुगनी है, तो रीता 2 वर्ष पहले हमने एक्स माना रीता की आयु, तो राइट नाउ रीता एक्स प्लस 2 की हो गई, पहले बोलो हां, और पुष्पा इसकी दुगनी है 2 साल पहले की तो वो 2x हो जाए, और दोनों का जो अंतर है यानी डिफरेंस तो 2x माइनस एक्स माइनस 2 वो 2 ही साल का, तो ये x बराबर 4 आ गया, आसान, यानी ये 4 साल की है और ये मतलब ये 8 साल की है और ये 6 साल की है। तो कहता पुष्पा की वर्तमान उम्र क्या होगी, पुष्पा 8 वर्ष की है, 8 वर्ष, यानी 8 ईयर इज द राइट आंसर ऑफ दिस। उम्मीद है यह क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद सातवां नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है 10 बच्चों की औसत आयु 9 वर्ष 9 माह है, यह क्वेश्चन अच्छा है मेरे दोस्त, ठीक है। देखो 10 बच्चों की औसत आयु
9 वर्ष 9 माह है और 9 बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष 11 माह है, दसवीं की औसत क्या? देखो पहले 10 बोला गया फिर 9 बोला गया, तो 9 वाले को पहले लिख दो कि 9 लोग हैं उनकी औसत आयु 8 ईयर 11 मंथ, बहुत अच्छे समझना, बेहतरीन क्वेश्चन है, और 10 लोगों की औसत आयु 9 ईयर 9 मंथ, तो उस बच्चे की आयु चाहिए, यही ना? देखो पहले फिर समझो, 10 बच्चों की औसत आयु 9 वर्ष 9 माह, तो नीचे वाली लाइन लिखिए 10 वर्ष 9 वर्ष 9 माह, और 9 बच्चों की औसत आयु तो ऊपर लिख दिया क्योंकि 9 में से 9 10 का अंतर एक आता नहीं, इस टाइप से 9 8 ईयर 11 मंथ दसवें की आयु। तो हम लोग हाईटेक सीखेंगे जैसा पहले बताया, देखो इसका अंतर एक होता है, सारा खेला इसके अंतर पे डिपेंड। अब इसके अंतर को समझो, जो 9 ईयर 9 मंथ है ना, तो इसे अगर मैंने 8 ईयर कर दिया, मेरी बात को समझो, 8 ईयर कर दिया 8 साल, तो 8 साल जब किया तो इससे एक साल यहां हासिल चला गया, जो एक साल जाएगा वो 12 महीने में कन्वर्ट होगा, यानी 12 महीने प्लस 9 महीने, मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? फिर समझो, ये तो यही चीज समझना है और क्या समझना है। 9 साल 9 मंथ को हम क्या ले सकते हैं, 8 ईयर प्लस 1 ईयर प्लस 9 मंथ, तो अब ये 88 सेम हो गया, इस वैल्यू से जो कि हो गया कितना, 21 से 11 मंथ घटाओगे तो इन दोनों का जो अंतर आएगा वो 10 मंथ का है, कितने का आएगा, 10 मंथ का है, मुद्दा ही खत्म हो गया इसका ये, और इन दोनों का जो अंतर है वो 10 मंथ का है, इन दोनों का अंतर 10। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक का गुणा इधर वाले में और इसका 10 मंथ, यही चीज हमने उस टाइम भी सिखाया, तो ये 9 ईयर 9 मंथ ऐसे कर दें और ये 90 मंथ और आगे, 90 मंथ और आगे देखा जाए, देखा जाए ये 99 हो गए, 12 99 हो गया, तो 12 अट्ठे 96 होता है, 12 अट्ठे 96 होता है, तो ये 99 हो गया, तो 12 अट्ठे 96 यानी 8 ईयर 96 और 3 मंथ, 12 अट्ठे 96 प्लस 3 यानी इस पोजीशन को 99 मंथ को हम लोग 12 अट्ठे 96 प्लस 3 ये बोलते हैं, तो 9 में 8 जोड़ोगे तो 17 वर्ष 3 महीने का वो बच्चा होगा, तो चला गया। उम्मीद है ये बात समझ में आएगी, बहुत पेशेंस से बताया, बाकी इस चीज को आप एक बार दोबारा देखेंगे तो आपको और बेहतर समझ में आएगा ये क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपके सामने, छोटी छोटी बातों को आपको दोबारा देखकर समझना होगा, ठीक है। अब जैसे 99 मंथ को हमने कहा भैया ईयर में कन्वर्ट करो, तो ये आना चाहिए 12 अट्ठे 96, 8 साल हो गए 3 महीने, 96 और 3 99 होते। क्वेश्चन नंबर 8, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग, यानी 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, देख लो 6 वर्ष पूर्व चला गया, ठीक है। देखो यहां भाषा का ही ज्ञान होना चाहिए, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60, कोई दिक्कत नहीं हमको, 60 वर्ष ये प्रेजेंट में, 6 वर्ष पूर्व 6 साल पहले चले गए, 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, पापा बड़े होंगे तो 5:1 का रेशियो, 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी, 6 वर्ष बाद बेटे की आयु पूछी। एक चीज देखो,
प्रेजेंट में देखा जाए बेटा और पुत्र की आयु का योग 60 वर्ष, 6 साल पहले 6 × 12 कम कर दो या 12 कम किया यानी 48 साल होगी बाप बेटे की आयु 6 वर्ष पहले। बेटे की कम करो 6, पिताजी की कम करो 12। अब देखा जाए 6 वर्ष पहले रेशियो 5 और 6 का था, 6 = 48 के तो 1 = 8 के, 6 साल पहले पापा 40 के थे बेटा 8 के थे, बेटा 8 के थे। तो प्रेजेंट में बेटा देखा जाए 8, 6, 14 साल का हो और 6 वर्ष बाद बेटा देखा जाए तो बेटा 20 वर्ष का, यानी 20 ईयर इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। इस क्वेश्चन का आंसर 20 साल आए। क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा मेरे दोस्त वह 20 वर्ष। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हम आगे बढ़ेंगे और अच्छे से सीखेंगे। पंद्रह वर्ष बाद एक व्यक्ति उससे 4 गुना बड़ा हो जाएगा जितना वह 18 वर्ष पूर्व था। देख लो खेल गया, वैरायटी है, मजा। देखो इस एरो को ऐसे बना दीजिए, 15 वर्ष बाद एक व्यक्ति उससे 4 गुना बड़ा हो जाएगा जितना वह 15 वर्ष पूर्व। देखो राइट नाउ उसकी एज एक्स मान लो, 15 साल पहले वो एक्स माइनस 15 का होगा और 15 साल बाद वो x प्लस 15 का हो, समझे नहीं। जैसे मैं हूं तो मैंने अपनी वर्तमान आयु को मेरे दोस्त x मान लिया है और 15 साल पहले मैं x माइनस 15 का होगा और आज मैं x प्लस 15 का हूं, आज मैं x प्लस 15 का। ये बात आपको समझनी चाहिए, यहां तक कुछ नहीं। अब हम क्वेश्चन की फिर से भाषा को पढ़ लेते हैं, चाहे इंग्लिश में पढ़ लो। 15 ईयर हैंस अ मैन विल बी जस्ट 4 times एज ही वॉज 15 ईयर एल्ड, यानी 15 साल बाद मेरी आयु x प्लस 15 होगी और मैं 4 गुना हूं 15 साल पहले की आयु का, ये बोला गया। खेल जाओ मेरे दोस्त, ये 4x है, ये x है तो ये अंतर आया 3x का, ये 60 इधर जाएगा तो 75 का आएगा, यानी x बराबर 25। व्यक्ति की वर्तमान आयु यानी x 25 साल का हूं मैं, कितने साल का हूं 25 ईयर। तो इसका जो सही आंसर मेरे दोस्त होगा वह 25 साल आएगा, 25 साल आएगा, सिर्फ भाषा, नथिंग स्पेशल। चलिए 9 के बाद 10 नंबर, जब पिता माता से 5 वर्ष बड़े हैं और माता की उम्र, माता की वर्तमान आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है। देख लो देखो तो यहां भाषा समझो, पिता माता से 5 वर्ष बड़े हैं, यानी प्रेजेंट की बात करें तो फादर मदर और सन, और पापा जी 5 साल बड़े हैं अपनी धर्म पत्नी से। माता की वर्तमान उम्र, वर्तमान आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है, अगर पुत्री की आयु 1 है तो माता जी की आयु 3 हो। पुत्री अब 10 वर्ष की है, यानी वर्तमान में पुत्री अगर 10 साल की है तो माता जी 30 साल की होंगी और जो उनके धर्म मतलब पति होंगे 35-35 साल के होंगे। तो कहते हैं पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु क्या थी, तो पुत्र अच्छा यहां सन लिखा है, डॉटर, डॉटर कोई बात नहीं, आप समझदार हो, डॉटर डॉटर है, डॉटर की बात। तो जब पुत्री का जन्म हुआ तो पुत्री का जन्म जब होता है तो उसकी आयु 0 वर्ष होगी, 10 साल पहले पिताजी की आयु 10 साल पहले, 10 साल पहले जाओगे तो पिता 25 साल के थे, जब उनके पुत्री का जन्म हुआ तो पिताजी 25 साल के थे। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 10 ईयर के कौन होंगे, पापा जी 10 साल के, 25 साल के कौन होंगे, पापा जी। देखो बहुत स्लो वर्जन में पढ़ा रहा हूं क्योंकि आपको सिखाना है, खुद नहीं पढ़ना है। 6 साल पहले ए की उम्र बी की उम्र की 2 गुनी थी,
यानी ये हमारे पास्ट की बात कर रहा है। पास्ट में यानी 6 साल पहले गए, ए की आयु बी की आयु की दुगनी, यानी ये एक लड्डू खाते थे तो ये 2 खाते, ये बात समझ। यदि उनकी वर्तमान एज 4:3 है, यानी राइट नाउ 4:3 है, तो बी की वर्तमान आयु क्या है। अब यहां रेशियो देखो, इसका गैप 1 है, इसका भी गैप 1 है, यानी 4 में से 2 गया, 2 आया, यही 2 बराबर 6, यही 2 बराबर 6 के तो 1 बराबर 3, 2 बराबर 6 के तो 1 बराबर 3 के, तो बी की वर्तमान आयु क्या होगी, 3 गुणे 3 9 ईयर होगी, 9 साल हो। क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर आएगा वह 9 वर्ष आएगा, राइट आंसर ऑफ दिस वन 9 ईयर हो जाएगा। आसान था, बैंक पीओ ध्यान देना, जॉन की वर्तमान आयु अपने पिता की आयु की 1/4 है, यानी जॉन अगर 1 लड्डू खाता है तो पापा जी 4 खाते, मतलब यह हो जॉन की वर्तमान आयु अपने पिता की आयु की 1/4 है, तो 1:4 4 पापा जी को जाएगा। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 68, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 68, अब 4 वर्ष बाद 68 है तो प्रेजेंट में 60 होगा, क्यों, 4 साल अगर जॉन के बढ़ रहे हैं तो 4 साल पापा के बढ़ रहे हैं, 4 × 8 60 में अगर जोड़ोगे तभी 68 होगा, यानी ये 5 बराबर 60 के तो 1 बराबर 12 के, 12 × 48 के पापा होंगे और जॉन की वर्तमान आयु 12 साल, जॉन की वर्तमान आयु क्या है, वह 12 साल, जॉन कितने साल का मेरे दोस्त, 12 साल का है, 12 साल, बोलो बोलो, ठीक है दोस्तों। धीरे धीरे जो बच्चा अपने आप को बेहतर करता है उसी का सिलेक्शन, मैं बार बार बताता रहूंगा, कोई भी एग्जाम की तैयारी करे इसके साथ सिर्फ उस एग्जाम का प्रीवियस ईयर लगाएं, जीवन सुख में। यह क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना, सभी अच्छे हैं उसमें से भी। स्नेहा की उम्र अपने पिता की उम्र की 1/6, ये प्रेजेंट की बात है, स्नेहा उसके फादर, स्नेहा की उम्र अपने पिता की उम्र की 1/6 है, यानी स्नेहा 1 है और फादर 6 के, 10 साल बाद स्नेहा की पिता की उम्र विमल की उम्र की दुगनी है, देख रहे हो, अब यहां विमल भैया को मिलियो, विमल भैया को, तो 10 साल बाद आफ्टर 10 ईयर, चलो इस लाइन को इजीस लेते हैं, 10 साल बाद आफ्टर 10 ईयर स्नेहा के पिता की उम्र विमल की उम्र की दुगनी हो जाएगी, अगर विमल 1 लड्डू खाता है तो स्नेहा के पापा 2 लड्डू खाते, ये लाइन और बेहतर है, कह रहा है यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पहले मनाया गया, जैसे नहीं मैं ये जो लाइन है इसी लाइन को मेन पढ़ो, मैंने कहा मैं ही हूं विमल और 2 साल पहले मैंने 8वां जन्मदिन मनाया था तो आज मेरा 10वां जन्मदिन होगा, समझ गया ना, यानी ये प्रेजेंट की बात होगी मेरे दोस्त, इसीलिए क्वेश्चन अच्छा भाई, यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 साल पहले है, जैसे मैंने अपना जन्मदिन 2 साल पहले मनाया 8वां, आज मैं 10 साल और 10 साल बाद मैं 20 का हो जाऊं, 10 साल बाद विमल मतलब ये पिताजी स्नेहा के वो 40 के हो जाएंगे, क्योंकि ये 20 ये 40, 10 साल पहले ये 30 के रहेंगे, क्योंकि 10 साल पहले जाओगे ना, 40 में 10 कम किया 30, 6 बराबर 30 के, तो स्नेहा 5 साल की, हमसे कहता है स्नेहा की वर्तमान आयु क्या है, 5 बरस, इसलिए क्वेश्चन आसान, समझ गए, लो बोलो, टेल टेल। 13 के बाद 14 प्रिया और पूजा की आयु का अनुपात 8:15 है, 8 और 15 है, किसकी, प्रिया और पूजा की, प्रिया और पूजा की आयु का अनुपात 8:15 प्रेजेंट,
9 वर्ष बाद उनकी आयु क्रमशः, तो 9 वर्ष बाद उनकी आयु 11 और 18 की हो जाएगी। ऐसा मैं नहीं, क्वेश्चन बोला। मेरा प्रिया और पूजा की आयु का अनुपात 8:15 है, तो ये प्रेजेंट किए। फ्यूचर टेंस में गए, 9 वर्ष बाद तो 11 और 18। देखो इसमें इसका भी गैप 7 है, इसका भी गैप 7, गैप समान तो कोई मुद्दा नहीं। 11 में से 8 गया 3, और यही 3 बराबर 9 के तो 1 बराबर 3 के, 3 बराबर 9 के तो 1 बराबर 3, दोनों की आयु का अंतर देखा जाए। अभी तो अंतर ये 7 है, और जब 3 3 का इंटू हो रहा तो सभी में होगा गया, यहां पर 21 वर्ष का अंतर, 21 ईयर का। क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर आएगा मेरे दोस्त, वह कितना आएगा? 21 साल आएगा। चलिए, उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया। प्रकाश अवस्थी, ऐप की रेटिंग 5 स्टार दीजिए, बेहतरीन सिखाता हूं मैं, सब मुझे लगता है, एक दिन आप भी कहोगे। राम की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है, राम की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है, यानी ये प्रेजेंट टेंस की बात कर। राम एज इज 5 इज सन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 3:1 है। उसके पिता की उम्र कि 2/5 है, यहां खेल गया, देखो यहां खेल गया। राम की आयु उसके पुत्र यानी उसके सन से, अब उसके पिता तो राम फादर लिख दो। राम की उम्र उसके पिता की पुत्र की उम्र की तिगुनी है, उसके पिता की उम्र की 2/5 है, यानी पापा 5 लड्डू अगर खाते हैं तो पिता पुत्र राम फादर है ना, तो राम के 2 होगी। अब यहां आपको रेशियो मेंटेन करने पड़ेंगे मेरे दोस्त, 2 का यहां गुणा कर दो और 3 का यहां कर दो। अगर रेशियो देखोगे तो राम 6, उसका पुत्र 2 और फादर 15 हो जाएगा, 6 2 15, ये रेशियो आएगा, क्या आएगा? 6 2 15 6 2 15 6 2 15। इन तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है, यानी अगर मैं इसको जोड़ता हूं तो ये 23 यूनिट आएगा, और औसत 46 है तो 46 गुणे 3 लिखोगे, क्योंकि 3 लोगों का खेला है तो 46 गुणे 3 यानी 23, तो यानी इसमें 6 का गुणा होगा, 23 गुणे 6 46 गुणे 3। राम और उसके पिता की आयु में अंतर क्या है? राम और उसके पिता की आयु का अंतर 9 यूनिट का है, 15 में से 6 गया 9, तो 6 का गुणा कर दोगे 54 का हुआ, क्योंकि राम 36 का है, पिता 15 6 90 का है, तो इस क्वेश्चन का आंसर डी आएगा, नन ऑफ दीज। एक्चुअल में ये बैंक का क्वेश्चन है, तो इसमें नन ऑफ दीज का भी ऑप्शन होता है, और बैंक में 5 ऑप्शन होते हैं, किताब में 4 दिए गए जिससे आप सीखो, तो नन ऑफ दीज इसका आंसर होगा, यानी 54 वर्ष का होगा राम और उसके पिता की आयु का अंतर, द डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ राम एंड हिज फादर 54, राइट। चलिए सीखो, अगर प्यार से योगराज तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है, दो लोग हैं, एक योगराज है और योगराज का स्तन 45, 5 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल। अब देखो यहां खेला है, तो यहां मान लो योगराज का पुत्र का पूछा गया, योगराज का जो स्तन है एक्स साल, योगराज जो हो जाएगा वो 45 माइनस एक्स। सर ये क्यों किया? तो भाषा पढ़ा जाता है, योगराज तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 है, यानी दोनों का योग 45, तो पुत्र की आयु को हमने एक्स माना, तो योगराज की आयु 45 माइनस एक्स। अब ये वैरायटी का क्वेश्चन है, अब 5 साल पहले जाओगे तो 45 माइनस एक्स में 5 और कम कर दोगे तो 40 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 5, इसमें कम करोगे तो एक्स माइनस 5 होगा। उनकी आयु का गुणनफल, की आयु का गुणनफल योगराज की उस समय की आयु का 4 गुना है, उस समय की आयु 4 गुना किसकी? योगराज की, 40 माइनस है इसका, इसका हैप्पी बर्थडे। और मेरे दोस्त
को कैलकुलेट करोगे तो x बराबर 9 आ, तो पुत्र की आयु क्या होगी, क्लासिक क्वेश्चन है, तो x बराबर, यानी योगराज के जो पुत्र है वह 9 साल का है। कितने बरस का है योगराज का पुत्र, वह 9 साल का है, 9 साल। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया। 16 नंबर, मजा तो आएगा, ईमानदारी से कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, खुशी मिल रही ना, बहुत बेहतरीन फाउंडेशन कर देंगे आप। बस याद रहे प्रॉपर लेक्चर पढ़ना है, भावनाओं में नहीं पढ़ना, एक एक पहले इसका बेसिक पढ़ो, फिर एक्सरसाइज लगाओ, बेहतरीन हो, फिर एक्सरसाइज भी लगाओ। एक माता की उम्र उसकी पुत्री की वर्तमान उम्र की दुगनी है, एक माता की उम्र उसकी पुत्री की वर्तमान उम्र की दुगनी है, यानी 2:1। यह समझ में आ रहा है कि माता बड़ी होंगी पुत्री से, यदि पुत्री की वर्तमान आयु 20 साल है, माता तो अब 40 की होगी ना, माता 40 की, तो कितने वर्ष पहले माता की आयु पुत्री की आयु की तिगुनी होगी। देख लो बेटा, कितने वर्ष पहले माता की आयु पुत्री की आयु की तिगुनी होगी, कितने वर्ष पहले। अब ये बोला गया, देखो अगर हम ऑप्शंस के हिसाब चले, ऑप्शंस के हिसाब से मान लो 5 साल पहले जाएं, तो 5 साल पहले माता 35 की होंगी, पुत्री 15 की हो जाएगी, रेशियो नहीं बनेगा। 10 साल पहले जाओ तो 40, ऑप्शन नंबर बी, 40 में 10 कम करोगे तो 30 साल माता और 10 साल पुत्री, रेशियो बन जाएगा। या x साल पहले जाओगे तो 40 माइनस एक्स की माता होंगी और 20 माइनस एक्स की पुत्री होगी और रेशियो 3:1 होगा। इसको कैलकुलेट करोगे तो 40 एक्स ये 3, तो ये 60 हो जाएगा, 60 में से 40 गया तो 20 आएगा, माइनस 60 में से और ये 3x हुआ, इधर आएगा तो 2x हो जाएगा, x बराबर 10, यानी 10 साल आंसर आएगा, 10 ईयर आंसर आएगा। एक तो ये x वाला प्रोसेस हो गया, या ऐसा समझो कि प्रेजेंट में माता 2:1 है, एक्स वर्ष पहले यही निकालना है 3:1, 3:1 है, पुत्री भले 20 वर्ष की है, पहले बात को समझो, पुत्री 20 वर्ष की, कोई दिक्कत नहीं, इसका अंतर 2 है, इसका अंतर 1 है, इसका अंतर 2 है, इसका अंतर 1, इसका अंतर 2 है, इसका अंतर 1, तो यहां पर 2-2 का गुणा, ये और ये डिफरेंस सेम हो गया। अब देखा जाए ये 2 यूनिट की वैल्यू, पुत्री 20 वर्ष की, तो 2 बराबर 20 के तो पहले पुत्री की कितनी होगी 10, माता होंगी 30 की, अंतर 10 साल का हो गया कि नहीं होगा, 40 से 30 10, 20 से 10 30, यानी 10 साल इज द राइट आंसर। ये सब प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से प्रैक्टिस कर, समझ गया ना। सीखो, सपोर्ट प्यार में लोगों को बताओ, अपने छोटे भाई बंधुओं को, जो देखो ऑफलाइन कोचिंग जाओगे तो कहीं ना कहीं 300-400-500 रुपए तो महीने की फीस दोगे, उससे बेहतर हम आपको इसमें सिखा दें नाम मात्र के शुल्क में, बस सीखो। अम्मा तथा जीजा की वर्तमान आयु 13:17, अम्मा तथा जीजी बोला जाता है, जीजा नहीं कि वर्तमान आयु का रेशियो 13:17, ये प्रेजेंट में, 4 वर्ष पहले इनकी आयु, 4 वर्ष पहले इनकी आयु 11 और 15, 4 वर्ष पहले इनकी आयु 11 और 15। अब देखो यहां का जो गैप है वो भी 4 है, इसका भी गैप 4 है, तो कोई मुद्दा ही नहीं, 13 में से 11 गया 2 आया, और यही 2 बराबर 4 के तो 1 बराबर 2, जब 1 बराबर 2 के तो ये 13 दूनी 26 हो गया और 17 दूनी 34, 13 दूनी 26 17 दूनी 34, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, 6 वर्ष बाद, तो कहीं ना कहीं 26 में 6 जोड़ोगे तो 32 आए, 34 में 6 जोड़ोगे तो 40 है,
और अगर अब इनका रेशियो देखोगे तो 4:5 आएगा, 4 और 5, यानी 18 का जो आंसर आएगा मेरे दोस्त वे 4 और 5, 18 का, ठीक है। ए और बी की आयु की 1/4 तथा सी की आयु की 2/3, देख लो एजेस, सॉरी ए एज इज 1/4 ऑफ बी एज, ये भाषा बदल गया, सी की आयु का 2/3, यानी 3 लोग हो गए ए बी सी रेशियो में, ए कॉमा बी की आयु का 1/4, अगर बी 4 लड्डू खाता है तो ए 1 खाता है, और सी की आयु का 2/3 तो सी 3 खाता है तो ए 2 लड्डू खाता है। रेशियो तो यहां पर ए की आयु बराबर कर लू तो 2 का गुणा कर लू, यहां 1 का कोई दिक्कत नहीं, 2 8 3। अब हमसे कहता है ए सी बी की आयु का रेशियो, देखो भैया आंसर पूछा गया ए सी बी, ए 2 है, सी 3 है और बी 8 है, ना ये तो एबीसी का रेशियो, ए सी बी का 238 या 2:3:8, 238 बोल दिया मैंने, 2:3:8 बोला। कहता है एम और एन की वर्तमान आयु का अनुपात 7 और 6, तो प्रेजेंट एज है इन दोनों की आयु का, एम और एन की जो प्रेजेंट एज है वो 7:6 है, 8 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 9:8 है, 8 वर्ष बाद यानी फ्यूचर टेंस की बात कर 9:8, एम तथा एन की वर्तमान आयु में अंतर क्या, एम तथा एन की वर्तमान आयु में अंतर ज्ञात करो मेरे दोस्त, बेहतरीन समझना। देखो इसका भी गैप 1 है, ये भी 1 है, यानी 9 में 7 किया 2 आया, 2 बराबर 8 के तो 1 बराबर 4 के, एम तथा एम एन की वर्तमान आयु में अंतर क्या, इसका अंतर तो ये 1 आया पर 1 बराबर 4 के है, 4 साल इसका आंसर आया, बोलो हां, यानी क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर आएगा 4। उम्मीद है मेरे दोस्त सेशन आपको पसंद आया होगा, लाइक शेयर करके सपोर्ट जरूर करना और बेहतरीन सीख, अभी के लिए इतना ही रखते हैं और कहीं ना कहीं आपको बेहतर सिखाने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। अपने दोस्तों को बताइए, इस किताब को पढ़िए, हमारे साथ धीरे धीरे, समय लगेगा।